सो गाइस अपन ने रेस्ट कर लिया है और शॉपिंग वॉपिंग डन हो चुकी है, फ्लावर्स वगैरह लिया है, थोड़ा घर वर सजा लिया है, थोड़ा सा जिस हिसाब से सजाना था और मतलब जैसा भी लुक देना था इस बार ज़्यादा कर नहीं पाया क्योंकि काफ़ी बिजी चल रहा है। आप लोगों को तो पता ही है कि हम दो ही हैं जो हमको एक दूसरे की टेक केयर करनी होती है, तो उतना कुछ कर नहीं पाते हम, तो बजट भी एक कंस्ट्रेंट आ जाता है और काम भी बहुत रहते हैं, तो उस वजह से। बट फिर भी हमने थोड़ी बहुत कोशिश करी है, मैं आपको शो करता हूँ, लेट मी शो यू। हाँ सो इस तरह का हमने बंधनवार लगाया है यहाँ पर और ये कुछ घंटियाँ सी हैं, इस तरह की डिज़ाइन है, घंटियाँ रुद्राक्ष का बंधनवार है पूरा। बच्चों के शोर आ रहे होगा क्योंकि आज तो बच्चों का ही एक तरह से माहौल है और मनी यहाँ पे ज़्यादा नीचे बैठ नहीं पाती है, बट कोशिश कर रही है यहाँ पे कि वो छोटी सी अपनी रंगोली वगैरह तैयार करे, तो तैयार करने की कोशिश कर रही है। तो अभी हमने इस तरह का कुछ तैयार किया है, फ्लावर्स वगैरह लगाए हैं यहाँ पे और बंधनवार को इस तरह का डिज़ाइन देके और पूरा कैप्चर करने की कोशिश करी है। सो ऐसा है ये, मैं दिखाता हूँ आपको और जब रंगोली डन होती है तो। सो गाइस मनिका ने डन कर लिया अपना रंगोली का कार्यक्रम गेट पे और पूरा डन हो चुका है, मैं आपको फाइनल दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। सो लेट मी शो यू वन सेकंड, पटाखे फूट रहे हैं, मजा आ रहा है। सो मैं आपको शो, सो ऐसा दिख रहा है, काफ़ी क्यूट सी छोटी सी रंगोली बनाई इसने इस तरह से, और ये फाइनल सेटअप इस तरह से, ऊपर बंधनवार नीचे रंगोली, तो इस तरह का सेटअप। और जब अपन एंटर होते हैं तो ये वन सेकंड तो गेट ओपन, और ये तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि यहाँ पे हमने एक सेटअप किया था इंटीरियर का, तो दिस इज़ अवर इंटीरियर सेटअप जो ऑलरेडी मैंने अपडेट किया है। सो अभी दूसरी रंगोली बनाएंगे उसको मैं दिखाता हूँ आपको, उसके बाद अपडेट करता हूँ। इशू आया हुआ आज हमारे यहाँ, इशू आया हुआ है, गुप्ता ही आई हुई है, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, इशू गुस्से में। सो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, राहुल मेरा फ्रेंड है और ये गुप्ताइन है अलीशा, नाम पे मत जाना इनके, नाम थोड़ा मॉडर्न रख दिया था गलती से, शी इज नॉट गोना लाइक दिस, कोई बात नहीं गाइस, यू आर गोना लव इट। सो सी यू गाइस, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। सो गाइस मैडम तैयार हो चुकी हैं, एकदम रेडी हैं, एंड कुछ कहना चाहते हो आप? विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। सो गाइस हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, और बिल्कुल एकदम खुशियां आए आपके घरों में, रौनक आए, 6-10 से लेके 8-10 तक का मुहूर्त है, ड्यूरिंग दैट टाइम हम पूजा करने वाले हैं। सो अभी हम रेडी हो चुके हैं, पटाखे फूट रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया माहौल है। सो बहुत अच्छा लग रहा है बाहर, सब सजा हुआ है। मैं भी आपको कोई एक क्लिप डालने की कोशिश करता हूँ, दिए लगाए लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से, तो मैं एक क्लिप डालता हूँ और अच्छा लग रहा है वो सही में। सो अभी हम पूजा करेंगे, उसके बाद डिनर में बनेगा पाव भाजी, आज मैडम का मन है पाव भाजी खाने का, तो पाव भाजी खाएंगे। और इसी तरह बस आप लोग टच में रहिए, हम लोग आप लोगों से टच में रहेंगे, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना, कोविड कहीं गया नहीं है, यहीं है अभी भी, तो थोड़ा सा सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, ये सब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके अलावा त्यौहार सीज़न चलता रहेगा, अभी देवउठनी 11 आएगी, उसके बाद में न्यू ईयर आएगा, उसके पहले क्रिसमस आएगा, तो ये सीज़न अभी चलता है, तो और साथ में विंटर भी आ रही है, तो अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अच्छी अच्छी डाइट लीजिए, बहुत बढ़िया, ये फिटनेस के लिए बहुत अच्छा मंथ रहता है, ये गेनिंग सीजन ऑन रहता है, तो इसका ध्यान रखना। मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हमेशा की तरह मना कर देते हैं। सो सी यू इन अनदर व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव, प्लीज़ डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, जितना ज़्यादा हो सके आग की तरह फैला दो प्लीज़, थैंक यू सो मच, जय श्री राम, बाय बाय।